सो अभी सुबह का हो रहा है 6:30 टाइम। 4-5 लोग हैं तो आपको रूम भी मिल जाता है यहाँ पे, नहीं तो नॉमिनल अमाउंट पे करके आप यहाँ पे ऐसे ये बेड वगैरह ले सकते हो। एक हॉल रहता है कॉमन हॉल जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। प्रॉपर उनका बेड और ब्लैंकेट शीट वगैरह देते हैं। सो यहाँ से फटाफट तैयार हुआ, मस्त ठंडे पानी से नहाया। जिनको ठंडे पानी से डर लगता है उनके लिए शायद गर्म पानी भी रहता है यहाँ पे। सिर्फ सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अभी देखो सुबह का माहौल कैसे है यहाँ पे। यहाँ पे मैं ऐसे दर्शन लेने के लिए जा रहा था तो एक अंकल मिले। वो बोले कि अरे जल्दी जाओ भागते हुए, आपको दर्शन लेने के लिए चांस मिलेगा। मतलब सुबह आरती होती है 6:30 बजे, उसके बाद में वहाँ पे पर्दा लगा देते हैं, मतलब वो बंद कर देते हैं। सो इसलिए मैं भागते हुए आया। जैसे ही आया और दर्शन लिया और 10 सेकंड के बाद में वो उन्होंने पर्दा नीचे कर दिया। मैं वीडियो में भी नहीं ले पाया वो, बट मैंने दर्शन लिया और बाद में क्षत्रिय भक्तजनो हता के पूर्वे कहेला संतो भक्तोना पाषाण ना भागे बेटा। सुबह सुबह का जो टाइम था दैट वाज वेरी गुड। और ये 2022 ईयर का डे वन था, 1st तारीख। सो और भी मस्त लग रहा था। सो नीलकंठ धाम से मैं नीचे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा आगे आने के बाद में यहाँ पे कुबेर धाम है, वहाँ पे जा सकते हैं। सो यहाँ पे हमें एक कैब मिलेगा और यहाँ से फिर ऐसे उधर जाएंगे हम कुबेर धाम। सो लेट्स गो। तो मैं यहाँ से नीचे आया हूँ। सो दिस इज़ द सनराइज ऑफ 2022। एक्चुअली ये वीडियो डालने के लिए काफ़ी लेट हो रहा है, बट या एडिटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसलिए लेट हुआ। मैं यहाँ से गाड़ी लेके जा सकते हो, बट मुझे जो है उन्होंने बोला कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ओके, और उसके बाद में मैं वॉक करते हुए निकला। मैंने देखा तो कुछ 1 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस था, तो इसलिए वॉक करते हुए आया। फाइनली मैंने इसको रख दिया। हो गया गुड। सो अभी यहाँ से निकला हूँ मैं। ये आपको बाय द वे एक नदी का पात्र में पानी होने की वजह से आपको बोट से जाना पड़ता है। सो ये 20 रुपये वगैरह टिकट लेते हैं यहाँ से वन साइड का। सो लाइक 40 रुपये जाना आने का। सो यहाँ पे ये बोट में बैठ के आप कुबेर धाम के लिए उस पार जा सकते हैं। सो एक्चुअली मेरे पास गड़बड़ तो होती ही रहती, कैश नहीं था। तो ये अपना नासिक का एक फैमिली था, उन्होंने मेरे लिए पे किया। फिर यहाँ पे दर्शन वगैरह ले लिया और हम नीचे रिटर्न निकले। उनको मैं पे कर रहा था बट उन्होंने बोला अरे नहीं छोड़ दो। और फिर वहाँ से बोट से मैं वॉक करते हुए नीचे निकला। सनराइज़ एकदम मस्त लग रहा था यहाँ पे। सी दिस अमेजिंग व्यू। फिर अभी मैं वॉक कर रहा था बट उन्होंने फिर से मेरे पीछे गाड़ी लेके आए, मुझे गाड़ी में बिठाया और बोले कि चलो हम भी अभी नीलकंठ धाम जा रहे हैं। मस्त एंजॉय करते हुए उनके साथ में फिर से क्योंकि गाड़ी नीलकंठ धाम में लगाया था तो नीलकंठ धाम में मैं वापस आया यहाँ पे। उनके कुछ फ़ोटोज़ निकाले यहाँ पे, मस्त बातचीत किया, थोड़ा सा उनको बताया कि कैसे जाना है वगैरह यहाँ पे। वहाँ से अंदर जाके ऐसे ये मंदिर में आ सकते हो। और इधर जो है ये जो है रात में स्टे करने के लिए रूम्स है, यहाँ पे आप रूम ले सकते हो अगर ग्रुप में हो तो। नहीं तो ये मंदिर के बैक साइड में इधर एक जगह है जहाँ पे आपको सिंगल बेड भी मिल जाता है। सो यहाँ पे नीलकंठ धाम में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है। आपको फुल डे एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे आप रुक सकते हो। कीप गोइंग, नाइस कोट यहाँ पे लिखा था। थोड़ा सा आगे आने के बाद में आपको यहाँ पे गोधाम भी रहता है। जैसे मैंने रात में बोला था कि यहाँ पे जो रोड है बहुत ख़राब था, ऑब्वियसली ये रोड सिर्फ 2-3 किलोमीटर का था। शनि मंदिर की तरफ
आते समय मुझे एक दो दोस्तों ने ये बोला कि यहाँ पे शनि मंदिर है, बहुत फेमस है, महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो मैं फिर आगे आया यहाँ पे शनि मंदिर के लिए। ऑन द वे ही आता है, काफ़ी अच्छा वाइब था यहाँ पे। यहाँ पे नदी पात्र आता है जो कि सेम हम वहाँ से आता है, ये नर्मदा नदी का ही पात्र। यहाँ से दर्शन लेके फिर मैं रिटर्न निकला। ये एक्चुअली रोड का काम चल रहा था, फिर एक जगह है वहाँ पे मैंने नाश्ता विश्ता किया थोड़ा सा। यहाँ पे सापुतारा के पहले गुजरात में ही एक जगह है जहाँ पे एक पूरा गन्ने के खेत में ही उनका एक गुड़ बनाते हैं, उनका पूरा प्रोसेस रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा कैमरे में कैप्चर किया जाए, तो इसलिए मैंने पूरा उनसे बात किया, वो दिखा, उनसे पूछा। और एक्चुअली मे बी ये कॉमन है, बट मेरे लिए ये इतना कॉमन नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम ये नोटिस किया, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने रुक के ये पूरा शूट किया। ये मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था, सो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़। काफ़ी मेहनत का काम रहता है और रिस्की भी रहता है, मतलब हर एक चीज़ को आपको बहुत कंसंट्रेशन से करना पड़ता है। से यहाँ पे आग लगाते हैं और ये आग जो है आपको कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ता है, गर्म से धुआं निकल रहा है, वो इससे पता चल जाता है कि आपका वो बराबर जल रहा है कि नहीं। सो ये था ऐसे, मतलब यहाँ पे जो है फाइनली ये सब यहाँ से निकालते हैं। ये इसको फिर से इधर डालते हैं क्या? हाँ, इसको इसमें डालते हैं जारी में और वहाँ लटका देते हैं। अच्छा, तो जो अच्छा है वो नीचे आता है फिर वो फाइनल हो जाता है। सो इस तरह जौगरी गुल जो रहता है भेली तैयार होने के बाद में इसमें डालते, इसको थोड़ी देर यहाँ पे रखते सो दैट वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और गाढ़ा होने के बाद में ये ऐसे इस तरह से पैकिंग कर लेते हैं। सो या कुछ नए चीज़ें देखने के लिए थोड़ा सा मज़ा आता है। सो यहाँ से बाहर आया, फिर थोड़ा सा यहाँ से भेली वगैरह साथ में ले लिया जो कि मुझे पसंद है। और हाँ, आते आते ये छोटे बच्चे लोग यहाँ पे बेर ले रहे थे पेड़ से, तो उनसे थोड़ा सा बेर वगैरह ले लिया और खाते खाते मस्त ड्राइव करते हुए आगे आया। ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉडी को ब्रेक चाहिए था, इसलिए दो दो तीन तीन घंटे के बाद में ब्रेक ले रहा था, क्योंकि 550 किलोमीटर एक ही दिन में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आगे फिर से ये एक मतलब छोटा सा गुजरात में एक ये था पार्क था, तो यहाँ पर रुका। मतलब ऐसे कुछ प्लान नहीं था यहाँ पे रुकना है, बट क्या था कि ब्रेक लेना था और ये ऐसी जगह पे जो है एक्सप्लोर करते हैं तो और अच्छा लगता है। सो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुका और उसके बाद में यहाँ से निकला आगे। उसके बाद में जो गाड़ी राइड किया डायरेक्ट पहुँच गया नासिक में। नासिक में खाना खाने के लिए बहुत भूख लगा था, एक छोटा सा होटल था वहाँ पर रुका। अभी पुणे के लिए जाने के लिए लगभग 3.5-4 घंटे लगेंगे। सो अभी मॉर्निंग में हमने ड्राइव चालू किया था लगभग 11:30 बजे, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास हम पुणे में पहुंच जाएंगे। और यस गाइस, वहां से जो निकला अभी डायरेक्ट नॉन स्टॉप नासिक से पुणे तक आया हूँ, और पैर एकदम ऐसे बहुत जगह पे गाड़ी खड़े हो कि चलाइए। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना, और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। डू लाइक सब्सक्राइब शेयर, और नेक्स्ट वीडियो थोड़ी दिन के बाद में फिर से देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद। सो फाइनली पहुंच गए, टोटल किलोमीटर हुए 1181। और हाँ, थोड़ी सी हालत रेस्ट करते हैं। सो गुड नाइट।